दोस्तों एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं टेक इन मिनट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन दिसंबर 2020। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मेरी लास्ट वीडियो के विनर है सोहन जैनिन, जिनको मैं ऑलरेडी उनका वाउचर के जो पैसे है वो मैं ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूँ। ये जो कुछ पेटीएम अमाउंट है वो मैं अपनी तरफ से इनिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि पेटीएम में COVID-19 की वजह से कुछ इंटरनल लॉसेस हो रहे हैं, जिस वजह से वो पेटीएम के जो वाउचर्स हैं वो इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। उनके पेंडिंग रखने की वजह से मैं आपको तो वेट नहीं करवा सकता, इसलिए मैं डायरेक्टली ही इनिशिएट कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट। और दोस्तों इसी के अलावा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कल 8 दिसंबर को 3 बजे मैं ऑनलाइन आऊंगा, जिसमें मैं एक सेशन रखने वाला हूँ Q&A का। और इसमें मैं आपसे सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो, टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, या मेरे चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप डायरेक्टली क्वेश्चन आप मुझसे पूछ पाएंगे। मैं आपके सारे जवाब मैं आपको कल दूंगा। और इसी के अलावा गिव अवे से रिलेटेड या फिर किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी ये पेटीएम वाउचर जीतने हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पा सकते हैं हमारे पेटीएम वाउचर्स। तो दोस्तों अभी हम फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन दिसंबर 2020। तो दोस्तों ये महीना लास्ट ही बचा है इस साल का, 2020 वैसे अच्छा गया नहीं, लेकिन लास्ट में दिसंबर में 7 से 8 फोन कुछ आने वाले हैं। शायद ये 7 से 8 फोन आपका ये लास्ट का महीना कम से कम हैप्पी करके जाएंगे, मुझे उम्मीद है आपसे पूरी की पूरी। तो दोस्तों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे पहले फोन से। Vivo V20 Pro ऑलरेडी रिलीज हो चुका है 2 तारीख को, वो आप देख सकते हैं। उसका फोन मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन उसकी वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला, वो वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग की, क्योंकि सैमसंग इस महीने 2 से 3 बजट फोन लेके आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग M2 की। तो दोस्तों सैमसंग M2 में हमें देखने को मिलने वाला है 5.7 इंच की IPS LCD डिस्प्ले, ड्यूल स्लॉट कैमरा, जिसमें 13 मेगापिक्सल का एंड 2 मेगापिक्सल का हमें बैक कैमरा देखने को मिलेगा, और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हमें देखने को मिलेगा। 3500 mAh की हमें इसके अंदर बैटरी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये फोन हमें 17 दिसंबर को रिलीज होने वाला है। और दोस्तों इसी के अलावा इसकी प्राइसिंग रहने वाली है 8990 अराउंड के आसपास इसकी प्राइसिंग रहने वाली है, ये कंफर्म नहीं है, ऊपर नीचे हो सकती है। 3 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फोन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन 9000 से नीचे इसकी प्राइसिंग रहेगी। या फिर इसी के अलावा सैमसंग की A सीरीज का A52 फोन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये न्यू स्मार्टफोन हमें सैमसंग की तरफ से देखने को मिलेगा, ये भी शायद 17 दिसंबर को ही इसकी लॉन्चिंग डेट होने वाली है। और दोस्तों इसकी प्राइसिंग रहने वाली है 19990, मतलब कि 20000 इसकी प्राइसिंग रहने वाली। इसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरह रहेंगी, 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फोन हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है मार्केट में। साथ ही में 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, और इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, और 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको ये फोन कैसा लगा ये आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी के अलावा सैमसंग का तीसरा फोन सैमसंग की A ही सीरीज का सैमसंग A72 भी रिलीज हो सकता है, और ये 21 दिसंबर को रिलीज होने की बात चल रही है। लेकिन दोस्तों इस फोन का कुछ 50-50 है कि ये शायद दिसंबर में लॉन्च होगा या फिर जनवरी में लॉन्च होगा। तो मेरे ख्याल से जैन में लॉन्च होगा, लेकिन इसके रूमर्स आ रहे हैं 21 दिसंबर के। तो दोस्तों ये फोन हमें देखने को मिलने वाला है 34999 रुपए, मतलब 35000 का ये फोन हमें देखने को मिलने वाला है मार्केट में। और इसी के अलावा इसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरह रहेंगी, सैमसंग A72 के अंदर हमें 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलने वाला है। क्वाड कैमरा सेटअप इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रहेगा, और इसी के अलावा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 का चिपसेट इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाला है, 4500 mAh की इसके अंदर हमें बैटरी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये 3 फोन सैमसंग की तरफ से मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में नेक्स्ट फोन है ओप्पो। दोस्तों ओप्पो को हम कैसे भूल सकते हैं, ओप्पो रेनो 5 ये फोन हमें देखने को मिलने वाला है जल्द ही 3-4 दिन बाद। 10 दिसंबर को इसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है कि ये 10 दिसंबर को रिलीज हो जाएगा। ओप्पो रेनो 5 में हमें स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह देखने को मिलने वाली है, 6.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर देखने को मिलने वाली है, 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज का बेस वेरियंट हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है, क्वाड कैमरा सेटअप इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाला है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रहने वाला है, और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही में 43 mAh की बैटरी इसके अंदर देखने को मिलने वाली है, वो भी सुपर फास्ट चार्जर के साथ। और दोस्तों इसका प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 30 से 34 के बीच में इसका प्राइस रहने वाला है। प्राइस के बारे में कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि
वो कंपनी रिलीज नहीं करती है। बाकी ओप्पो की तरफ से हमें बहुत ही ज्यादा स्लीक और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फोन हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये फोन जैसी आएगा इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी और मे बी इस ओप्पो के फोन पे गिव अवे भी हो जाए। और दोस्तों मैं बताऊंगा आपको फोन आने के बाद की इसकी क्या डिटेल्स रहेंगी। दोस्तों नेक्स्ट फोन है मोटो का G9 पावर। दोस्तों नाम से ही पता चलता है कि फोन पावर से रिलेटेड है, मतलब कि बैटरी बहुत ज्यादा होने वाली है इसी के अंदर। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है, ट्विटर हैंडल पर इन्होंने डाल दिया है कि 8 दिसंबर को ये फोन आ जाएगा मार्केट में। प्राइस का अभी तक कुछ भी ज्यादा पता नहीं है कि किस प्राइस रेंज में आएगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है ये फोन 12,000 के अंडर ये फोन रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज नहीं लगी जिसकी वजह से इसका ओवर प्राइस हो जाए और बजट फोन के अंदर ये फोन माना जाएगा, क्योंकि ये फोन 12,000 से या 10,000 के आसपास ही रिलीज होगा। इसकी स्पेसिफिकेशंस की यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। 6.8 इंच की HD+ डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि 11 mm पर बना हुआ है। 4GB रैम और 128GB या फिर 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ हमें ये फोन देखने को मिलेगा। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है, जिसमें 64 MP का प्राइमरी कैमरा रहेगा, 16 MP का फ्रंट कैमरा रहने वाला है। फिंगरप्रिंट इसके अंदर देखने को मिलेगा और ब्लूटूथ 5.0 इसके अंदर ज्यादा ही हाईलाइट किया हुआ है। बाकी 6000 mAh की बैटरी इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी। कैमरा हमें लेफ्ट साइड में पंच होल डिस्प्ले में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ज्यादा कुछ इसके अंदर खास देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये फोन बहुत ही डिसेंट क्वालिटी में हमें देखने को मिलेगा। बाकी बात करते हैं फोन के आने के बाद डिटेल में, मैं आपको इसके बारे में एक रिव्यू दूंगा कि कैसा ये फोन चलेगा, क्योंकि ये फोन भी मुझे जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी के बाद बात करते हैं नोकिया के बारे में। तो दोस्तों नोकिया का भी 1 दिसंबर में फोन आने वाला है, 17 दिसंबर को ही ये लॉन्च होने वाला है। और इसी के अलावा इसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरह रहेंगी। 6.5 इंच की फुल HD+ HDR प्योर डिस्प्ले इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाली है। और इसी के अलावा एंड्रॉइड 10 इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि बेस रहेगा एंड्रॉइड 1 पर। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 जो कि 8 nm पर बना हुआ प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। 5G सपोर्ट करेगा ये फोन। और इसी के अलावा 48 MP का रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है और 24 MP का फ्रंट कैमरा इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इसी के अंदर 4000 mAh की बैटरी हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। इसी के अलावा नोकिया की मैं बात करूं तो नोकिया 5.4 भी 17 दिसंबर को ही लॉन्च होने की एक्सपेक्टेड डेट हमें देखने को मिल रही है। तो नोकिया की तरफ से हमें दो फोन मिलने वाले हैं, नोकिया 7.3 और नोकिया 5.4। नोकिया 5.4 की प्राइसिंग कुछ इस तरह रहने वाली है कि 16,990 यहाँ पर देखने को मिल रही है, मतलब कि 17,000 रुपए का 5.4 हमें देखने को मिलेगा। और इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह रहेंगी। 6.4 इंच की हमें यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, लेकिन स्पेसिफाई नहीं है कि IPS डिस्प्ले आने वाली है या फिर AMOLED डिस्प्ले आने वाले, लेकिन इस प्राइस रेंज में इनको AMOLED डिस्प्ले देनी चाहिए। Android वर्जन 10 हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। क्वाड कैमरा सेटअप हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें 48 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है और प्राइमरी कैमरा 8 MP का देखने को मिलेगा। और 4000 mAh की बैटरी हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों इस स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से प्राइस कुछ ज्यादा यहाँ पर हमें दिखा रहा है, इस प्राइस रेंज पे तो ये नोकिया नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा। होप सो, देखते हैं कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फोन की तरफ। तो दोस्तों इतने ही सारे फोन थे, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी फोन से रिलेटेड नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और इसी के अलावा पेटीएम वाउचर जीतने के लिए आपको इसी वीडियो से रिलेटेड आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी या कौन सा फोन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो बस यही इतना सा ही काम करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों कल मैं मिलूंगा आपको 3 बजे लाइव, वहां पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, Q&A होने वाला है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा कल। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दैट्स इनफ फॉर मी। एंड मैं मिलूंगा आपसे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।